दोस्तों कैसे हो? आई होप सो अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो एक नया नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ मैं आज, तो मैं आज की दिनचर्या दिखाऊंगा आपको, तो कैसा रहेगा आज मेरा दिन। तो बाकी आप देखना लास्ट ब्लॉग में, ब्लॉग में बने रहना आप लास्ट। तो चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। पीछे कैसा हो रहा है, तो आप पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं। तो सुबह आई थी बारिश थोड़ा हल्की फुल्की, तो अभी हो रहा है टाइम लगभग 10, तो 10 बजे हैं, 10 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी का मौसम देख सकते हो आप, तो अब आपको मौसम का दिखा देता हूँ। आजकल जो झाल होते हैं हमारे, जो लगिल कहते हैं जिसे पहाड़ी में, तो ये है अभी शायद लौकी का तो नहीं लग रहा मुझे, शायद मुझे लग रहा है ये करेले या उसका क्या कहते हैं तुरई का ये झाल है। तो अभी लगभग सूख चुका है ये भी आधा, तो ये छत में लगाया था चाचा ने, जो नीचे से मतलब नीचे से खेत से लगाया हुआ था, ऊपर का आया हुआ है तो छत में है। बाकी तो और झाल जो है सब सूख चुके हैं, वो वहाँ पर देख सकते हो और इधर उधर भी देख सकते हो आप। बाकी खेतों में भी कुछ लगाया नहीं है अभी, नॉर्मल हल्दी लगाई हुई है खेतों में और बैंगन और मिर्च, ज़्यादा कुछ है नहीं खेतों में। बाकी इस साइड को देख सकते हो आप। तो आज का मौसम भी बहुत बादल ही बादल लगे हुए हैं, और बाकी चारों तरफ से देखिए तो हरियाली कैसी हो रही है अभी, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। बाकी अभी मक्के का सीजन भी चले गया है, मक्का भी ख़त्म होने वाले हैं, तो हल्के फुल्के लगे हुए हैं सामने मक्के। ये मेरी अम्मा अभी आ रही है बखई से, तो अब जा रही है घर को। ये कपड़े देख सकते हो आप इसके कैसे हो रहे हैं। तो वो मेरी मोटी हमारी कपड़े धोती हुई, मोटी प्लीज एक्सक्यूज मी मोटी। तो आज का मौसम देख सकते हो कैसे हो रहा है। मोटी हमारी कपड़े धोते हुए मस्त। ये हमारा करण सिंह आ गया है, तो अभी बैल लेके जाएगा क्योंकि ग्वाला जाने वाले हैं बैल। करण सिंह कैसा लग रहा है तुम्हें? भाग गया आप देख सकते हो आप। तो ये बैल को लेके जा रहा है और अभी हमारी गाय आएगी उसको भी लेके जाएगा ये। ए मेरी अम्मा आ गई हैं हैं कोल लगे बण का जा रहा बा भीतर छु। ये इसके कपड़े देख सकते हो तुम, तो ऐसी रहती है इसकी। लगभग लगभग एज हो गई है 97 हो गई है, 90 हो गई है, फिर भी पैदल चल रही है, जा रही है, आ रही है। तो वहाँ बखई है हमारा, वहाँ से आती है, यहाँ चाय है पी के चली जाती है। ये हमारा गाय, ये हमारा मुन्यू, ये हमारा म्याऊ म्याऊ करते रहता है, बस का काम कुछ है नहीं। ये हमारा छोटा वाला, ये दो हैं, देखो साथ में रहते हैं। हमारी बुढ़िया अभी चाय पी रही है अम्मा, ये अभी चाय पी के फिर चले जाएगी अपने घर को, मतलब बखई है इसका घर उस साइड को। तो अभी तो ये चाय ही पिएगी यहाँ पर, थोड़े गम मारेगी फिर उसके बाद ले जाएगी। हमारा टैग मस्त बैठा हुआ है, देख सकते हो आप। इसका काम है दिन में बैठना और कोई ऐसे लोमड़ी होगी बंदर होगी तो उनको भगाना, ये काम करता है। जानकारी चाहिए नहीं पता कैसा हो रहा है और सूज, मतलब अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना काट दिया तुमने, मतलब और सूज में कितने खेत काट दिए या कितने मांग कुनी जो हूँ वो तो काट लिए, मतलब ये तो पता है। काट दिया भी बहुत है, तो सकल तो छोड़, सकल दिखा दे फिर कि लोगों ने तो देखा तो है ही वैसे भी। सकल नहीं दिखा सकती क्यों? सोच के महीने में सकल आपको पता ही है काली हो जाती, तो काली है। देख देख ऐसे फोन कैसे देख। हाँ ये है हमारी मोटी, ये भाग गई है।
क्या बना रही, मुझे खाना है। तो ये है हमारा करण जो अभी मशीन लेके जा रहा है। तो ये है मशीन हमारी जिसको हम लेके जा रहा है अभी खेत पे। इस साइड को हमारा गांव, तो आप देख सकते हो। आजकल सब मशीनों से ही काट रहे घास, क्योंकि हाथ से बहुत टाइम लगता है, मशीन से थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो इसमें लगता है पेट्रोल और इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आप मतलब कि 10 घंटे आप लगातार इसको चलाओगे, उसके बाद चेंज कर सकते हो। तो वैसे मैंने भी किया है, अभी तो 10-12 घंटे चल गया होगा। उसके बाद मैंने इंजन ऑयल कल चेंज किया था इसका। और बाकी देखते हैं अभी काटते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो इससे काटते हैं, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कैसे काटते हैं मशीन से। तो आपको सीधे खेत में मिलते हैं। बाकी इस साइड को घास देख सकते हो आप कितनी सारी हो रही है अभी। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक, तो ये रोड का निशान है, यहाँ को आने वाली है। मतलब बाद में अभी थोड़े 2-3 महीने के बाद शायद इस काम चल जाएगा रोड का। तो इस साइड से रोड भी आने वाली है, इस साइड से सामने से। वो आधी रोड तो आई हुई है हमारी, तो उसी में दोबारा से आने वाली है। बाकी चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको खेतों का कैसे काटते हैं इस मशीन से। वैसे देखी होगी आपने वीडियो में लगभग, तो हम भी दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कि कैसे काटेंगे इस मशीन से खेतों में घास। इतना सारा घास तो यहाँ काटा हुआ है, बाकी यहाँ को है इस साइड को। तो जा रहे हैं हम सामने, वो सामने जाना है हमने। इसकी थोड़ी क्या कहते हैं सेंसिटिविटी या कुछ वो बोलते हैं, तो थोड़ा कम है, तो इसलिए हिला होगा। हमने इतना पूरा खेत काट दिया है, इतना पूरा यहाँ से लेके। तो छोटी घास था, तो छोटा ही घास था, तो इसलिए इतना काट दिया मैंने। तो अब जा रहे हैं हम घर को। तो इतना ही था हमारा, बाकी मम्मी काट रही है उतना सा, थोड़ा सा और। तो ले टाक दी करो, तो करो हमारा टाकेगा आप, उसके हम चलते हैं। ये हमारा करू, हमारे करू को अभी चलाना नहीं आता, सिर्फ टाकना आता है इसको। ये अभी ये मशीन को टाक रहा है अभी, देख रहे हो आप। चल करो चल, तो हमारा करो ले चलता है। अब चलते हैं हम घर को सीधे। सुंदा का मौन पालन जो आप देख रहे हो, ये आगे ये हमारे सुंदा, तो इनकी इनके पीछे दुकान के पीछे इन्होंने लगा रखा है। तो इनने हाल ही में कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको समथिंग 1 साल होने वाला है। हाँ 1 साल हो, इसमें कितनी बार आपने? एक बार निकाला है। हाँ एक बार इन्होंने मौन निकाल दिया है। और बाकी शहद और ये हमारी नदी और दो यहाँ है इस साइड को, एक साइड में है और इस स्कूल वाली खिड़की में है। दो तीन तीन खिड़कियों ने डाल रखे हैं मौन, तो सही पैसा कमा देते हैं इनसे भी है। तो अपना एक घरेलू जो रोज़गार है इनका, ये चलता है इससे। और इनका घर में भी है बहुत सारे। तो बाकी हम इनकी दुकान में आए थे अभी, अभी तक तो घर थे हम, और अभी चलते हैं, कहीं जाना है हमने। हम खेल अभी कैरम, तो भरत भाई हैं और ये कनाल मुंगा का भाई खेल रहे हैं। बाकी ये आए हैं हमारे मुन्नू हो गया, लाली हो गया, हमारा प्रदीप और जय और विजय हो गया, करो हमारा सुंदर हमारे आज गेम खेल। तो मैं अभी आया हूँ शिवदा के वहाँ स्टॉल पे। आज हमारे शिवदा के दादा, नाम है इनके रमेश दादी, हमारा रमेश दादी हैं, गांव के ही हैं, तो उनके दादा हैं शिवदा के। तो आज ये हैं यहाँ पर स्टॉल संभालते हुए। तो अभी तो ये बर्तन बर्तन माँज रहे हैं, देख सकते हो आप। तो ये मतलब इनका खुद का रोज़गार भी है, अपना खुद का रोज़गार है। तो इनका खुद का, ये इनका भाई की दुकान है, तो यहीं जब भाई इनके खुद ही मतलब खुद ही काम पे जाते हैं, तो ये खुद कहाँ यहाँ लगे रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए थे, तो अभी तक तो सुंदा के वहाँ थे, तो फिलहाल मैं यहाँ आया था। तो ये है अभी का मौसम, तो सुबह दिखाया था आपको मौसम कैसा हुआ था। तो अभी सामने का आपका व्यू दिखाता हूँ आपको, तो कैसा हो रहा है। नीचे है हमारा शिवालय। तो ये बंदा हमारा शिवदा के ना रवियादी के वहाँ काम करता है, नाम बोला इन्होंने रोहित ना।
नहीं अभी। तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं, जो आपको परसों बोला था हमने व्यू दिखाऊंगा करके। तो देख सकते हो आप नीचे का बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। तो यहाँ का बोले हमारा पुल है, यहाँ का राम मंदिर का बहुत फेमस है, बहुत पुराना पुल है ये। तो सामने देख सकते हो आप औरतें घास काटती हुई, तो आजकल शोर लगाया तो इसलिए सामने औरतें घास काट रही हैं अभी। बाकी मौसम देख सकते हो आप कितना सुहाना हो रखा है, अभी बादल लगे हुए हैं देखो मस्त करके। तो यही है नदी, अभी बहुत अच्छी हो रही है, साफ बिल्कुल। तो नदी देख सकते हो कितना साफ हो रही है अभी आजकल। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है आजकल, ठीक है। बाकी ये हमारा फेमस जगह जहाँ आपको बोला मैंने, यहीं हम शाम को बैठते। देखो सूर्य देखो कितना सामने कितना अच्छा लग रहा है हमसे, चढ़कन धूप आ रखी है।